सर कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन 4 चल रहा है और ऑनलाइन ज़्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। आप एक खुद स्कूल के संचालक हैं, किस तरीके से आप सक्सेस मानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को? नमस्कार, मेरा नाम राकेश सचदेव है और मैं डायरेक्टर हूँ दीनानाथ पब्लिक स्कूल में। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं ये मानता हूँ कि जो ऑनलाइन स्टडीज़ है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि बच्चा फिजिकली स्कूल आता है और उसके बाद उसे जो पढ़ाई कराई जाती है, तो जो समझ उसे फिजिकल प्रेजेंस में आती है वो ऑनलाइन में हम जानते हैं कि नहीं आती। लेकिन इस समय पूरे विश्व ही इस महामारी से जूझ रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि यदि हम बच्चों को इग्नोर करते हैं और उन्हें ऑनलाइन स्टडीज भी नहीं देते तो बच्चे ने जो पिछले वर्षों में जो कुछ भी याद किया है वो सारा का सारा बच्चा भूल जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि ऑनलाइन स्टडीज इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि फिजिकली बच्चे के स्कूल में आने से जो उसे समझ में आती हैं। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए इसका भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि बच्चा डेली के डेली उसे ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है, तो डेली डेली बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है तो उसका वो रिवाइज हो जाता है। तो इससे बच्चे के दिमाग में कंटिन्यूटी बनी रहती है और बच्चा अपने इसको सब्जेक्ट्स को जो किए हुए उसके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो भूलता नहीं है और उनके साथ जुड़ा रहता है। सर, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि आप सीमित स्टाफ अपने स्कूलों में बिठा सकते हैं, ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? हम सरकार की इस नीति का पूरा सहयोग करते हैं और ये बहुत ही अच्छा रूल सरकार ने बनाया है, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ 2 या 3 स्टाफ मेंबर के साथ स्कूल में आ रहे हैं और जो भी हमारा एडमिन वर्क है तो उसके लिए हम अपने स्टाफ को बुला रहे हैं, जैसे रख रखाव का काम हो गया, सफाई का काम हो गया, तो इस तरीके के कर्मचारी और 1-2 स्कूल के मेंबर जो आकर वो बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क देना है या जो भी एडमिन का जो भी दूसरे काम रहते हैं ऑफिस के वो सारे अपने कामों को कर रहे हैं। सर, आप अभिभावक, सरकार एवं समाज से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं अभिभावकों और सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पूरा पालन करें और जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं हर एक को उन्हीं के अनुसार ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और घर से कम बाहर जाएं, तथा जो स्कूल के लिए हमारे लिए आदेश दिए हैं हम तो हर तरीके से सरकार की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल में 2 स्टाफ मेंबर को बुलाने से रिलेटेड हो या कैसी भी हो। और हम जो है सरकार की सभी गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अभिभावकों तक उतनी ही फीस चार्ज की जाए जो कि सरकार की गाइडलाइंस नियमों के अनुसार है या हो सकेगा तो उससे भी कम। सर, ज़्यादातर स्कूल संचालकों की परेशानी है कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और मई स्टार्ट हो गया, मई भी आधा जा चुका है, लेकिन स्कूल फीस ना के बराबर अभी तक डिपॉजिट हुई है और उन्हें रेगुलर टीचर्स की सैलरी भी देनी है, वो इस बात से चिंतित हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल समय है सभी के लिए, स्कूल संचालकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो हमारा ये मानना है कि ये दुख की घड़ी में हम सब लोग मिलकर साथ चलें और एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए एक दूसरे को कॉपरेट करें, चाहे वो पेरेंट्स के एंड पर है, चाहे वह स्कूल के एंड पर है, चाहे वह टीचर्स के एंड पर है। तो इसमें हमें ये लगता है कि भाई अभिभावकों भी को भी कुछ फीस थोड़ी बहुत करके अगर वो दे पाएँ तो उन्हें कुछ देनी चाहिए, कुछ स्टाफ के मेंबर्स को भी ये होना चाहिए कि चलो इस वर्ष पूरी फीस ना भी पूरी सैलरी ना भी मिले तो चलो कुछ कम उनको मिल जानी चाहिए। और स्कूल संचालकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी स्टाफ मेंबर्स का जो घर पेट है वो स्कूल की सैलरी से ही पलता है, तो इसीलिए सबको मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।